हाय फ्रेंड्स, माईसेल्फ मनोज गुर्जर, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेडकॉम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। आज हम पढ़ने वाले हैं सल्काई और गायराई ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। उसमें भी हम पढ़ेंगे क्या, सुप्रालेटरल सरफेस के सल्कस और गायरस के बारे में। सुप्रालेटरल सरफेस इसके सल्कस और गायरस की सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी, फिर हम देखेंगे इसका डायग्राम। थर्टिकल पोर्शन की बात करें तो चार लोब होती है सुप्रालेटरल सरफेस में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब। चार लोब हैं देखो, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब में कौन कौन से सल्कस होते हैं, एक होता है प्रीसेंट्रल सल्कस, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। गायरी कौन कौन से होते हैं, गायरस कौन कौन से होते हैं, प्रीसेंट्रल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। ये तो हो गई किसकी बात, फ्रंटल लोब की बात। हमने क्या कहा, फ्रंटल लोब में एक तो होता है प्रीसेंट्रल सल्कस, एक होता है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। गायरी की बात करें, गायरस की बात करें तो प्रीसेंट्रल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अब आ जाइए पैराइटल लोब पे। पैराइटल लोब में दो सल्कस होते हैं, पोस्ट सेंट्रल और इंट्रा पैराइटल सल्कस, ठीक है। गायरस की बात करें तो पोस्ट सेंट्रल गायरस, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल होते हैं। पैराइटल लोब की यदि बात करें तो इसमें गायरस में क्या होता है, गायरस में क्या होगा, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल मिलेगा और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल मिलेगा, ठीक है। इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल के भी तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट होता है सुप्रा मार्जिनल, मिडिल पार्ट होता है एंगुलर और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो होता है ओवर अपटर्न एंड ऑफ इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस का क्या होता है, अपटर्न एंड होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, ठीक है। टेम्पोरल लोब पे आ जाओ, टेम्पोरल लोब में यदि सल्कस होते हैं सुपीरियर टेम्पोरल और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। गायरी की बात करें तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, सुपीरियर होगा, मिडिल होगा, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। अब आ जाइए ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब की यदि बात करें तो यहाँ होगा ट्रांसवर्स ऑसिपिटेलिस सल्कस, एक तो होता है ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस, एक होता है लेटरल ऑसिपिटल सल्कस, एक होता है ल्यूनेट सल्कस। ये तीन होते हैं मेनली, ठीक है। कौन कौन से, ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस होता है, लेटरल ऑसिपिटल सल्कस होता है, ल्यूनेट सल्कस होता है, ठीक है। अब आ जाए गायरस, एक होता है इसमें सुपीरियर ऑसिपिटल गायरस और इंफीरियर ऑसिपिटल गायरस। इस तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सुप्रालेटरल सरफेस के सल्काई और गायरी का डायग्राम। डायग्राम देखो कुछ इस तरह से बनेगा। डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बनाएंगे तो इसका बनेगा कुछ इस तरह से, डायग्राम बनता है देखो। ठीक है, डायग्राम इसका बनेगा ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे इतना बना लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां से एक एरिया तो होगा यहां पे ऐसे, ये और ये जाएगा यहां पे, ठीक है, इतना जाएगा। इसके अलावा ऐसे ऐसे, ठीक। ये करने के बाद में देखो क्या करना है आपको, यहां पे एक एरिया होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक यहां से आता है देखो, यहां से ये आ गया, ये ठीक है, ये आ गया एक एरिया। इसके अलावा क्या होगा, देखो एक एरिया होता है ये, ठीक है, और ये जाएगा ऐसे, ठीक है, ये समझ गए इतना, और ये जो है ये ऐसे जाएगा, ठीक है। एक एरिया ऐसे ऐसे आएगा और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये समझ में। अब इसकी लेबलिंग करते हैं, हम इस डायग्राम की लेबलिंग यदि हम करें, इसकी लेबलिंग कैसे होगी। हाँ तो अब इस डायग्राम की लेबलिंग देखते हैं। लेबलिंग यदि करें तो देखो ये वाला है ना, ये है सेंट्रल सल्कस, देखो ये है सेंट्रल सल्कस कौन सा है, देखो ये वाला है ना, ये क्या है, ये है सेंट्रल सल्कस, ये होता है सेंट्रल सल्कस, ठीक है, ये है सेंट्रल सल्कस, ठीक है, सेंट्रल सल्कस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये सेंट्रल है तो ये प्री सेंट्रल सल्कस, ये पोस्ट सेंट्रल सल्कस, तो ये लिख दो, देखो
ये हो जाएगा पोस्ट सेंट्रल सल्कस, पोस्ट सेंट्रल सल्कस, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हो जाएगा प्री सेंट्रल सल्कस, प्री सेंट्रल सल्कस, ये वाला, ठीक है। और देखो ये क्या है, ये होगा प्री सेंट्रल गायरस, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। मैं लिख रहा हूं देखो यहीं पे, ये हो जाएगा प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। ये मैं यहां लिख रहा हूं देखो, प्री सेंट्रल गायरस, और ये क्या पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये क्या पोस्ट सेंट्रल गायरस। देखो ये तो हो गया प्री सेंट्रल गायरस और ये हो गया पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो तीन थे, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस। देखो ये तो होता है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सुपीरियर फ्रंटल गायरस, ये होता है मिडिल फ्रंटल गायरस, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला ये है इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। ये क्या है इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ये, ठीक है। इसके अलावा सुपीरियर फ्रंटल गायरस होगा, मिडिल फ्रंटल गायरस होगा, इंफीरियर फ्रंटल गायरस होगा। और तीन ही गायरस किसके थे, टेम्पोरल के थे। देखो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा दो लोब्यूल थे, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। देखो ये है, ये तो है देखो सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और ये है इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ये सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, ये इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, ठीक है। और दो थे क्या, एक तो था सुपीरियर ऑक्सीपिटल गायरस, देखो यहां पे होगा, ये तो होता है सुपीरियर ऑक्सीपिटल गायरस, ठीक है। और एक होता है इंफीरियर ऑक्सीपिटल गायरस, ये क्या होता है इंफीरियर ऑक्सीपिटल गायरस होगा, देखो यहां पे, ये हो जाएगा इंफीरियर ऑक्सीपिटल गायरस, ठीक है। ये तो हो गई गायरस की बात, अब हम बात करते हैं सल्कस की, ठीक है। देखो ये है लेटरल सल्कस, ये क्या है लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस, इसे बोलते हैं सिल्वियन फिसर भी इसे बोला जाता है, सिल्वियन फिसर भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। दो सल्कस होती थी, एक तो होती थी सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, एक होती थी इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। देखो ये वाली है ना, ये वाली देखो, ये तो है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। और ये सुपीरियर फ्रंटल सल्कस होती है, और देखो इंफीरियर फ्रंटल सल्कस कौन सी होगी, ये वाली है ना, देखो ये वाली ये है क्या, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। और दो सल्कस किसकी थी, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। देखो ये वाली क्या है, ये है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और ये वाली है इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, ठीक है। एसटीएस सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस होगी। एक हमको याद रखना है, देखो ये था ना इंफीरियर फ्रंटल गायरस, इसी में क्या होते हैं, देखो इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होते तीन, एक होता पार्स ऑर्बिक्युलरिस, देखो मेल 1, 2 और 3, यहां नाम लिख रहा हूं 1, 2, 3 क्या क्या है, 1, 2, 3 क्या है, एक होता पार्स ऑर्बिक्युलरिस, 1 तो ये है, ठीक है। एक होता पार्स ट्राइंगुलरिस और एक होता है पार्स, एक क्या होता है पार्स ऑपरक्युलरिस, एक होता है पार्स ऑपरक्युलरिस, ठीक है। ये किसके पार्ट हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं किसके, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में कंटेन होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, इसमें होते हैं एंटीरियर हॉरिजेंटल एंड एंटीरियर असेंडिंग रेमाई ऑफ लेटरल सल्कस। ये लेटरल सल्कस ये है ना, देखो ये क्या है, ये होती है क्या, ये एंटीरियर हॉरिजेंटल और एंटीरियर असेंडिंग रेमाई, ये है एंटीरियर हॉरिजेंटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं हॉरिजेंटल एंड एंटीरियर असेंडिंग रेमाई,
ठीक है, असेंडिंग रेमाइन किसकी, लेटरल सल्कस की, और ये किस में होती है, ये होती है इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इधर सल्कस ऑसिपिटल लोब में कौन कौन सी सल्कस होती है। एक होती है ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस, देखो ये रही, ये जो है ना ये है ट्रांसवर्स ट्रांस ऑसिपिटो सल्कस, ठीक है, ट्रांस ऑसिपिटो सल्कस बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। इसके अलावा एक होती थी ल्यूनेट सल्कस, ये हो गए ल्यूनेट सल्कस, ये क्या है ल्यूनेट सल्कस, ठीक है। इसके अलावा एक होती थी लेटरल ऑसिपिटल सल्कस, देखो ये वाली, ये क्या है लेटरल ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। लेटरल ऑसिपिटल सल्कस हो गई और ल्यूनेट सल्कस हो गई और ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस है ट्रांस ऑसिपिटो सल्कस हो गई। इसके अलावा एक होती है पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, देखो ये वाली क्या है, ये वाली देखो, ये होती है पेराइटो ऑसिपिटो सल्कस, ठीक है। एक होती है पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। तो ये पूरा डायग्राम है सुप्रा जो लेटरल सरफेस है उसके सल्कस का और गायरस का। मैं अगेन इसे समराइज कराना चाहूं तो क्या कहा हमने, फ्रंटल लोब की बात करते हैं सबसे पहले। फ्रंटल लोब में क्या, तीन गायरस हैं, देखो सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस, सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। और एक क्या होता है प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। इसके बाद इसमें सल्कस कौन कौन से, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस होते हैं, और एक होता है प्री सेंट्रल सल्कस, ठीक है। ये तो होगी फ्रंटल लोब की बात। अब आ जाइए पेरेटल लोब, पेरेटल लोब में होते हैं सुपीरियर पेरेटल लोबियल और इंफीरियर पेरेटल लोबियल, ठीक है। दो क्या होते हैं लोबियल होते हैं, सुपीरियर पेरेटल लोबियल और इंफीरियर पेरेटल लोबियल, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, पोस्ट सेंट्रल सल्कस होती है, इसमें क्या होती है पोस्ट सेंट्रल सल्कस होती है ये रही। इसके बाद हम बात करें टेम्पोरल लोब की, टेम्पोरल लोब में तीन गायरस, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है। सल्कस की यदि बात करें तो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस। अब आ जाइए ऑक्सीपिटल लोब पे, ऑक्सीपिटल लोब में दो गायरस, सुपीरियर ऑक्सीपिटल गायरस और क्या है इंफीरियर ऑक्सीपिटल गायरस। सल्कस की यदि बात करें तो सल्कस होते हैं ट्रांसवर्स ऑक्सीपिटल सल्कस, एक होता है ट्रांस ऑसिपिटो सल्कस, एक होता है लीनेट सल्कस और एक होता है लेटरल ऑसिपिटल सल्कस। इस तरह से ये टॉपिक क्या है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।